もう満タン。कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए किसी को लेके आओ आप, तो वो लेके आए मीज़ान को। वो कुछ स्कूल में पढ़ रहे थे तब, न्यूयॉर्क में कहीं पढ़ रहे थे। वो एंटर हुआ और मैंने कहा दिस इज अ स्टार, ये तो अनस्टॉपेबल। मैंने दूसरे दिन जावेद भाई को फोन किया, and then little Sharmin, who was 85 kgs 90 kgs, and then I said, baby, I'll make you a star, because she always wanted to be an actor and she has worked so hard to become what she is. So I love the two of you immensely. To see my mother first, we was whistling away to glory. It's always a moment to see her happiness. I think it's that's what matters. To see Deepak and Bela over here, who have always to see their child on screen. Mohan ji, Deepak's father, introduced Rekha ji at one point in Sawan Bhado. Today, I'm introducing Sharmin, so it's a big deal for us. To see Javed bhai here and to see him smiling and to see how his boy has nurtured and grown, I think this is the star of the century, Javed bhai. So you please remember one thing. These are two kids who are going to rock it, because I can see what is here, and I understand what you feel like right now. I understand what he feels and what she feels. It's 2 years of hard work and tolerating me. I mean, they have been very strong kids. They have jailed me. They have listened to me. We have laughed together, smiled together. I fired them, not together. But I have loved every minute of creating what I have created in Malal. Bhushan ji, इनके साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन है एज प्रोड्यूसर। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। तंग भी करते हैं, तकलीफ भी देते हैं, बट मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं वो, और हम बहुत काम करें आगे जाके, ये उम्मीद रखता हूँ। महावीर भाई मेरे भाई जैसे हैं, वो इतने कमाल के इंसान हैं। मेरे बहुत दिनों के बाद एक अच्छे इंसान को मिला हूँ, तो
आपसे आपके साथ काम करके भी बहुत मजा आया महावीर जी, आप हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ, सो गॉड ब्लेस यू फॉर दैट. एंड हमारे मंगेश जी, वो मंगेश जी इतने इतने अच्छे डायरेक्टर है कि कभी कभी उनके कुछ चीज़ें देख के मुझे जलन होती है कि ये इतना अच्छा कैसे किया आपने. उनको मैंने बहुत तकलीफ भी दी है, बहुत प्यार भी दिया है, उनको छोटे भाई के जैसे रखा है, और वो बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे उसमें कोई शक ही नहीं है. और उन्होंने इतनी खूबसूरती से इन दोनों के बच्चों के पास काम करवाया है. सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मंगेश जी, यू आर वंडरफुल एब्सोल्युटली. मैंने ये कहा कि मैंने आपको तंग किया, बट मैं ये कहना भूल गया कि आपने भी मुझे तंग किया. हाँ, और मेरे जो इम्पोर्टेंट दो पिलर्स है, प्रेरणा और चेतन, ये इनके बगैर मैं कुछ ना कर पाऊँ, उनके बगैर मैं कुछ हूँ नहीं. उनका जो साथ है, उनका जो विजन है, जो सारा दिन मेरे पास काम करवाते हैं ये दोनों, लेकिन बहुत मज़ा आता है उनके साथ. और I love the two of you all immensely from the bottom of my heart. मैंने आपके एक छोटे से सवाल का बहुत लंबा जवाब दे दिया. सर सब आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे. दो सर और दो. नहीं बस हो गया. Well, if Mizan and Shamin have had this loving, supporting hand on their shoulder throughout the making of the film, like I've had for the past minute and a half, you all have nothing to worry about. So, without further ado, sir, बुला लें सर आपके स्टार कास्ट को स्टेज पर. मेरे दोनों बच्चों आ जाओ. Sharmeen Sehgal, ladies and gentlemen, and Mizan. All right. Go ahead. Oh. मुझे लगा आपके पास सवाल है. Lol. Does anybody have any questions? We're going to pass. Yes, over there. Oh yes, हाँ जी आपके पास माइक है. बोलिए सर. Just a second. Hi Mizan, this is Ravi from ABP News. Hi Ravi. Hi Sharmeen. Hi Ravi. Hi. दोनों से मैं जानना चाहूँगा, पहले मिजान से. मिजान, आपके पिताजी ने, जावेद सर ने 80 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था, 35 साल बाद आप आ रहे हैं पर्दे पर. क्या कुछ आपने उनसे इम्बाइब किया है, क्या कुछ आपने उनसे सीखा है? अभिनय का जब आपने निर्णय लिया तो उन्होंने क्या कुछ आपको कहा, और क्या इस बात का मलाल आपको है कि पापा जो ग्लोरी डिजर्व करते थे अपने फिल्मों में आने के दौरान, वो ग्लोरी उन्हें नहीं मिली और अब आपको वो करके दिखाना है? कुछ बताएंगे इस बारे में? First of all, thank you to all who've come here and the media personnel. Thank you so much for coming here, the family and the friends. You know, really means a lot. And aapka jawab. Ji, not only mere pitaji but also mere dada ji jo industry mein the, un dono se jo seekh mujhe mili hai wo, you know, wo zindagi bhar milti rahi hai, bachpan se maine dekha hai, you know. And एक्चुअली ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगा कि जो सीख मुझे मिली है वो मेरे दादा से मिली है, एंड मेरे पिताजी को भी मेरे दादा से मिली है. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई ग्रैंड फादर फॉर वट एवर इज डन, यू नो. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वॉज जो पापा ने ड्यू, जी जो ड्यू नहीं मिला पापा को, बट इसलिए तो मैं आया हूँ ना अभी, अब मैं आ गया हूँ तो यू नो मेक अप फॉर इट. शर्मिन, आपसे सवाल है कि संजय सर ने अभी स्टेज पे बताया कि आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा था और आप एडी थी, और किस तरह का स्ट्रगल था जब आपने रियलाइज़ किया कि आपको एक्टर बनना है? उस जर्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? और क्या कुछ बेला मैम से और संजय सर से आपने सीखा फिल्मों में कदम रखते वक्त? तो मैंने बाजीराव मस्तानी पे असिस्ट किया था, पहले मैरी कॉम पे फिर बाजीराव मस्तानी पे, और उस दौरान मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें सीखी है. बाजीराव मस्तानी में बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने, क्योंकि वो पिक्चर बहुत लंबी चली थी. संजय सर से सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लिविंग ब्रीदिंग ईटिंग फिल्म. उनके पैशन, जो पैशन उनके पास है फिल्म के लिए, मैंने किसी के पास नहीं उस किस्म का पैशन देखा नहीं है मैंने, तो उनसे वो लिया है मैंने. और मेरी माँ से, आई लव यू मॉम एंड डैड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड what I've learned from my mother the most is just being a nice human being.
My mother is one of the nicest human beings I know, and that is what I've learned from her the most. Bajirao Mastani ke dauran usse mera wazan thoda zyada tha. Mary Kom ke time pe bahut zyada tha. Aur mujhe malum nahi tha us time pe ki main 100%. Mujhe acting ka bahut shauk tha. Kisi aur ki zindagi jeene ka bahut shauk tha. But मैरी कॉम के टाइम पे और बाजीराव मस्तानी के टाइम पे मुझे मालूम नहीं था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं. मुझे लगता है संजय सर को भी नहीं मालूम था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं. उनको आई डोंट थिंक विश्वास था कि मैं कर पाऊंगी उस टाइम पे. बट आई थिंक जब उन्होंने देखा इज व्हेन ही रियलाइज्ड कि हाँ मे बी इस लड़की में कुछ बात है. तो वो जर्नी वो ही रही बाजीराव मस्तानी की और लूजिंग वेट थ्रू आउट वर्किंग. आप दोनों से एक छोटा सा सवाल और है कि ऐसा माना जाता है, ऐसी चर्चा भी आजकल बहुत हो रही है पिछले 2-3 सालों से, कि जो स्टार किड्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में जो लोग पहले से होते हैं, उनके बच्चों को आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता है, लीड एक्टर्स बन जाते हैं या बाकी काम करने को मिल जाता है. नेपोटिज्म की डिबेट बहुत चल रही है. आप लोगों के आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम आप लोग पे भी शायद लग सकते हैं कभी कि आप लोगों के लिए बहुत आसान था. आप ये सवाल पूछ रहे हो, आप ऑलरेडी लगा रहे हो थोड़ा बहुत. बट एनी वे नेपोटिज्म है हर फील्ड में है, या एक्टिंग में है. आप डॉक्टर हो, मे बी आप आपके पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते हो, हर फील्ड में है नेपोटिज्म. बट एंड हाँ, आप सही हो, जो लोग जिनको इंडस्ट्री में पहचान है उनके लिए आसान होता है, बट उनको उतना हार्डवर्क भी डालना पड़ता है इन कंपैरिजन. जो प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, एटलीस्ट फर्स्ट फिल्म के लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है. बाद में अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, प्रेशर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि फिर आप पहली फिल्म करते हो वहाँ पे प्रेशर है, सेकंड फिल्म में आपको और भी बेटर करना पड़ता है क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली. तो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ करो और अपने अपॉर्चुनिटी को मिसयूज़ मत करो. तो वही है. रवि सर, पहले ही बॉल में आप आउट करवाओगे क्या? सीधा ही नेपोटिज्म का सवाल. बट यस, आई डू अग्री विथ हर. एंड एट द एंड ऑफ द डे I do have to prove myself when I perform, and it's up to the audience and everyone else whether they accept me, whether they like me or no. And if there are a lot of people who've put in a lot of effort, and you know, if the audience does not accept them, it's because of the hard work and you know their talent. So at the end of the day, it's your decision, aapke haath mein ho, to decide that ye nepotism ka jo jhaad uga hai, whether this is acceptable or no, whether we like him or no, you know. And we have a lot of other celebrities in the industry today who are an outcome of nepotism, and I wouldn't say they're bad celebrities or they're my favorite actors, you know. So or celebrities who are not from the industry. There are lots of big names today of people that are not from the industry, like don't have film backgrounds, and they have worked hard and gotten ahead. So why can't somebody who's from the film background work hard and try and get ahead, because they're passionate about something? Thank you. All right, so where do we have Mangesh wants to say something. Please sir. इस बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा. जब मैं संजय सर को नरेशन दिया था स्क्रिप्ट का, और एक्टर कौन हो गए फिल्म में ये जब बात चल रही थी, तब इन दोनों का नाम मेरे सामने आया. मगर मुझे तभी एक बात बताई गई कि आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कि इन दोनों को ही फिल्म में लेना है. आप 8 दिन इनके साथ टाइम स्पेंड करो, और आपको यदि लगता है कि बिंग एक्टर इनमें कुछ पोटेंशियल है तो ही बात आगे बढ़ाओ, नहीं तो आपको जो दूसरे एक्टर लेने थे दूसरे एक्टर ले लो फिल्म में. तो मैं हमने एक 8 दिन का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ किया, और फिर मैंने बताया हाँ ये कर सकते हैं एक्टिंग. तो जी हाँ. और दूसरा एग्जांपल, जैसे महावीर जी ने बताया कि मैं एक्चुअली मुंबई में थोड़ा रहता हूँ, गांव में थोड़ा रहता हूँ, और हालांकि संजय सर ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए फिल्म में, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे पर रखी है, और मेरा तो फिल्म लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है. Mizan, yeah. Sharmin, hi. Ankita from Republic TV here. Hi, at the Ankita. Center. I see you. Hi. Yeah, hi. Very promising trailer, I must say. Thank you. And thank you. All the best for the trailer. My question to you first is to you, Mizan. 2015 mein release hui thi Bajirao Mastani. तब से लेके 4 साल की जो आपका एक जर्नी थी, बिकॉज उस टाइम पे आपको संजय जी ने कहा था वो आपको लॉन्च करेंगे, उस जो एक 4 साल की जर्नी में आपने अपने ऊपर कितना काम किया? यू वर लर्निंग डांस और मार्शल आर्ट्स लाइक अदर आल्सो स्टार्स डू. व्हाट वाज योर जर्नी देन? आई वाज एक्चुअली इन न्यूयॉर्क एट द टाइम. आई वाज स्टडिंग फिल्म मेकिंग.
And then, you know, Sanjay sir told me he wanted to launch me. And then I came back, I started assisting him on Padmavat. And, you know, I always used to think to myself, like, kab launch kar rahe hain, kab launch kar rahe hain, kab picture banegi. You know, we always used to talk about it at home. And, you know, we used to be nervous, ki yaar banegi, nahi banegi, kya ho raha hai, you know. So the first lesson I learned was to be really patient. You know, der aaye durust aaye, they say, and, you know, it really worked for us. And I feel those 4 years or 5 years that I spent waiting, today when I look back at it, I'm so glad that I did it, because I have really evolved, because that time gave me, you know, it gave me time to evolve as an actor, evolve as a person, you know, and do those workshops with Mangesh sir. So even when we got the project, even after that, we thought, you know, picture ban rahi hai, and we waited for 2 years. But I'm so glad that Sanjay sir took that time and to really perfect it and really be happy with what we've done, you know, today. And I'm so glad we really took that time, because the time I spent with Mangesh sir, he really, even Shaman and I both, and we did those workshops over the span of 2 years all around Bombay. So that really helped us. And I feel as much time as you take, it's better for you, because you evolve. So you should always be patient and, you know, try and do best. Lovely. Shamin, my question is to you also. There are so many celebs or star kids or people who are already making a buzz on social media even before their launch. And, you know, I don't find you on social media, which is, you know, very, not weird, but yeah, it's different. So any particular reason for that? I mean, Sanjay sir said, I unprivated my Instagram account last night. So now I am social media active. But Sanjay sir has looked, so one day we were on our way to like a family function and we were sitting in the car. Sanjay sir was next to me. Nani was in the front and he looked at me and he was like, Sharmin, you know, because he also, you know, we don't know this, but he also somewhere in his mind looks at things, looks at social media. We don't know when he does it. We don't know how he does it. He doesn't talk about it, but he does look at it. So he was just looking at me and we were talking about it. And he was like, you know, there's no need. Not right now. There's no need. Work. Keep working, 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 working. And then everything else, the fame, the success, the followers, if you're good enough, all of that will come to you at some point and you won't realize when it comes. And that will be a better feeling than trying to get it. So for me, it's let my work speak, which is why last night was the night, because now the trailer is out and the movie also needs to make money. So we will promote it and we'll get on social media. But first, let them start off with seeing your work. I think the first thing you're going to do is post this. You will check on Google the comments on your trailer. Oh, wow. No, don't check the comments. No. Little bit. Like 1, 1, 2, 2, we'll skip and we'll read. Asha, my last question is to both of you. 2019 is the year where so many star kids or, you know, people are making a debut in Bollywood, be it the Notebook star cast or Student of the Year. Kahin na kahin ek pressure ya phir ek responsibility, ek competition kuch feel karte hain aap, kyunki, you know, itne sare log ek saath debut kar rahe hain same year mein. Competition har jagah hoti hai. It's only each of us have our own journeys when we're choosing to do what we want to do with the rest of our lives. So it's competition is, it just exists. And each person is justified taking their own path to what they think is good for themselves. So pressure, yeah, of course, pressure. When lots of people want to do the same thing, the pressure increases monumentally because you think, and you also compare your work to somebody else's work. And you don't, and honestly, when you're looking at your own work, there's no perspective. It's very difficult. But when you see somebody else's work, you're like, how is my work in comparison to theirs? In your mind, at the back of your mind somewhere, you make that comparison. And you see where it is, where you stand. At least you try to. And that's where the pressure comes from. And that's what the comparison is. Honestly, the only thing we need to be competing against is Mizan's hair. Yeah. And how to get the hair like that. The Sunsilk ad, dude. It's what my hair wants to be. Thank you. We're going to take one last question, guys. Team Malal se mere sawal. This is Simran Singh here. First of all, congratulations to thank you guys. Thank you so much. Thank you. Hi. So the trailer is fantastic. Mera sawal, Mizan, aapse hai pehle. Ye bataye ki we always look upon our seniors or our parents. Matlab jab bhi hum kuch karne jaate, we have our influences. Or this is my observation. When I saw you on that scene, when you're dancing on that, it certainly reminds me of Javed ji's that Meri Jung jab unka entry hua tha. Seriously. Ji, no, we honestly thought about that too when we were shooting it. And
I think secretly Master Ji had that plan when he was choreographing it. Okay. But you're talking about inspiration. Yeah, who are when you have yeah. exactly when you have a Javed Jafri at home and when you have a Jagdeep at home, I don't think you need to look at anyone else because it's an abundance of talent at home itself. Hmm. You know that I. Great, Mangesh Ji, आपसे एक सवाल है कि इस फिल्म में इस जो ट्रेलर हमने देखा है अपार्ट फ्रॉम ऑल जो मुंबई का फ्लेवर जो सादगी जो है वो कहीं ना कहीं यू नो भा जाती है सो आपने अपनी जिंदगी के कितनी जो बोलते ना वी हैव समवेयर अराउंड वी आर वी पुट आवर एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ इन द स्क्रिप्ट और इन द स्टोरी सो आपने अपने लाइफ से कौन से वैसे एक्सपीरियंसेस है या उसका जो फ्लेवर है जो आपने ऐड किया इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट कल हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे और मंगेश सर ने मुझे देख के बोला कि ये डायलॉग ना शारमिन बहुत प्यारी तरीके से बोलना मैंने बोला क्यों मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये डायलॉग बोला था एक सो लॉट्स ऑफ प्राइवेट थिंग्स मुझे लगता यही जवाब है मंगेश सर दो ना जवाब ये जवाब कहाँ हुआ हेलो बोलू ना क्या क्या बेसिकली पता नहीं मतलब मैं इतना ज़्यादा काम से रिलेटेड ही फिल्म लाइन से ताल्लुक रखता हूँ तो जो शायद सादगी मतलब मेरी सिंप्लिसिटी शायद उसमें आई होगी और जो मैं कॉलेज में था जो मुझे प्यार हुआ था एक लड़की से तो वो उन दिनों की कुछ चीज़ें क्योंकि तभी जो पीरियड दिखा है 98 का तभी मैं कॉलेज में था तो उस समय की जो संवेदना है वो शायद रिफ्लेक्ट हुई होगी सर लाइट्स बहुत ब्राइट है वी कैन सी यू ब्लश from the audience thank you Hi, so Mizan. much thank you everybody for your questions we're sadly we're out of time one more question okay fine hi Mizan Hi. Yeah. Anita sorry sir mic ja chuka hai Anita one last question so my question to you is when it comes to all the younger actors who are making their debut in the film industry they're always papped and they are all around they're spotted everywhere but when it came to you you kept a very low key so what is the reason was it a conscious decision from your end This, the credit for this actually, because I feel I'm glad that I did this, goes only to one man, and that is Sanjay sir. You know, he, I had an Instagram account, I was on social media before, but then he told me, he's like, you know, agar tum sab jagah dikhoge, to tumhe theater mein aane, you know, why will the people want to come to the theater to see you? You know, if you're seeing that, oh, Mizan aisa dikh raha hai, Mizan aisa chal raha hai, Mizan gym ke bahar hai, Mizan, people don't care, main gym ja raha hu, nahi ja raha hu, honestly, you know, but, At the end of the day, they want to see what Mizan looks like, and that's what they've come now to see in Malal, you know. And if I've already exposed that on social media, which I think people are doing, and I don't think they should be doing, but you know, and I'm glad I did that. You know, I was not exposed on social media, and today that, like you said, you know, today I'm sure that before you came here, you must be thinking that, you know, what does Mizan look like? What does Mizan talk like? What does Mizan walk like? What does Shaman talk like? What does she look like? You know, what their personalities are going to be. So I feel that really comes out, and I'm glad that we, you know, exposed it the way we have. So thank you. Can I say something? Charmaine, go ahead. Yeah. It's also what he was talking about getting papped. Is not, like, why are they papping you? Why are they taking pictures of you before your movie has released? I wanted the reason for it to be our work. So all of those things, yeah, of course they want to see what Yeah, like our know. Work speaks for ourselves, you know. And that's what we want. I mean, what is the reason? Main hoon kaun? You know, we always used to say, Shaman and I used to tell each other, like, kyun lena hai photo? Main hoon kaun? You know, I have had a lot of people come up to me and they'd be like, sir, ek photo. And I'm like, okay, aap jante ho main kaun hoon? Aap jante ho mera naam kaun hai? They'd be like, nahin, sir, par ek photo. I said, but kyun? You know? But now that I hope they will see this trailer and they will see the poster and I hope they go see the film as well. Then I'm more than welcome to take pictures with you. But Mizan, hi. We just spoke about your dad, a huge talent and not getting his due. And you said, yes. I'm here now. Yes. Okay, so you will. So how will you do it different? How different would you be? you know, I feel ke, I've done that through my work, you know. And I feel that if I tell you now, then... I've exposed too much. आप ट्रेलर देखें आपने जो अभी देखा है एंड आई होप आप जाके पिक्चर भी देखें जब आप वो देखेंगी तो आई यू नो यूल नो दैट हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक दैट इम्पैक्ट एंड आई हैव टू पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ विथ मी अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स यू नो बुजुर्गों को की दुआ तो है ही बट जब संजय सर का हाथ है सर पे तो देन व्हाट डू यू नीड
Oh, good question. Okay, so well, I had this discussion with my family and we all came to the conclusion that I should not, because I would ask my father this question, ki aapne surname kyun istemal kiya, kyunki mere dada ka bhi surname nahi hai, his name is Jagdeep. You know, there are a lot of people who go with just their names or whatever they want to keep. There's Dharmendra, there's Jitendra, you know, in Hollywood you have a lot of people, you know. So I think I want to go with Mizan because I feel my parents have given me a very unique name and it just completely stands out and it means balance.